हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि पोस्टपार्टम हेमरेज किन कारणों से होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कम समय के अंदर हम पीपीएच के एग्जैक्ट कारण या काज को तुरंत पहचान सके और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करके माँ को बचाया जा सके या प्रसूति को बचाया जा सके। आइए इस में हम सबसे पहले जानेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पोस्ट का अर्थ होता है बाद में और पार्टम का अर्थ यहाँ प्रसूति से है और हेमरेज का अर्थ होता है खून निकलना। अर्थात पोस्टपार्टम हेमरेज को हम कह सकते हैं कि जब बच्चा होने के बाद में प्रसूति को अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है या खून निकलता है तो उसको हम पीपीएच कहते हैं। पीपीएच भी कई प्रकार के होते हैं लेकिन और उनके उनमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन उन सब कारणों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। इसमें केवल एग्जैक्ट हम कौन से फार्मूले के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करके और एग्जैक्ट पीपीएच के काज को पहचान सके, ताकि हम बहुत कम समय में उसके काज को जब पहचान सकेंगे तो उस हिसाब से माँ को ट्रीटमेंट करके और माँ को बचा सकते हैं, क्योंकि ये मातृ मृत्यु दर का बहुत बड़ा कारण होता है बच्चे के प्रसव के बाद में। तो आइए हम इसमें जानते हैं केवल कि पोस्टपार्टम हेमरेज अगर हो रहा है तो किन फार्मूले के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में ला करके और उस पर फोकस करके हम एग्जैक्ट कारण को पता करें और तुरंत उस हिसाब से माँ को इलाज दें। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है, यूज़ दिस 40 न्यूमोनिक टू हेल्प रिमेंबर द काजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पीपीएच जब भी होता है तो आपको 40 का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग में तुरंत क्विक करना है 40 को कि, और ये 40 जब आप क्विक करेंगे पीपीएच के समय तो एग्जैक्ट वो आपको किस कारण से पीपीएच हो रहा है वहाँ तक तुरंत आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि पीपीएच होने के काजेस बहुत हैं। तो आइए जानते हैं कि 40 का सबसे पहले 40 का अर्थ क्या होता है। सबसे फर्स्ट टी से होता है यूट्रस का टोन, यानी टोन कहते हैं। दूसरे सेकंड टी से होता है टिशूज। तीसरे टी का अर्थ होता है ट्रामा और 40 का अर्थ होता है थ्रोम्बिन। अब इसके बारे में हम और विस्तृत जानेंगे कि फर्स्ट टी यहाँ अगर टोन लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है। इस टोन का मतलब है ये माँ के यूट्रस से यूट्रस के टोन की यहाँ बात की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पीपीएच में सबसे बड़ा अगर कारण कोई है तो यूट्रस का यूटोनी होना होता है। अगर यहाँ तक कि ये 70-80% मातृ मृत्यु दर का कारण है, क्योंकि प्रसव के बाद अगर यूट्राइन यूटोनी रहता है तो वहाँ से ब्लीडिंग बहुत मात्रा में होती है जिससे मातृ मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ये सबसे बड़ा कारण होगा। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यूट्रस यूटोनी यूट्रस का टोन कैसा है। जब भी महिला प्रसव हो जाता है, प्लेसेंटा आउट हो जाता है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि उसका जो यूट्रस है अगर हम फील करेंगे उसके पंडस पे हाथ रख करके तो बिल्कुल जैसे गेंद होती है ठोस, क्रिकेट की गेंद जो ठोस एकदम आकार की होती है, उसी तरह जो हमको यूट्रस उसका फील होगा अगर हम उसको फील करते हैं तो बिल्कुल ठोस तरीके से हमको पता चलती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि यूट्रस आपको स्पंजी फ्लैबी या उसका साइज हमको बड़ा लगता है तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यूट्रस यूटोनी है माँ को। तो इस सब कारणों में बहुत बड़ा कारण होता है। अगर इसको आपने पहचान लिया, पहले ही काज को आपने पहचान लिया तो आप उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले यूट्रोटोनिक जो ड्रग्स होती है उसको आप तुरंत दें, जैसे कि इसमें ऑक्सीटोसिन हो। सबसे पहले आप यूट्रस की मसाज करेंगे और इसमें जो भी यूट्रोटोनिक ड्रग्स होती हैं, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM एंड कार्बो इंजेक्शन कार्बोप्रास्ट भी आप IM देंगे
इस इंजेक्शन मेथर्जीन आप देंगे और टेबलेट में जो प्राष्ट आप ओरली भी दे सकते हैं, बायरेक्टम भी दे सकते हैं। तो इस अगर ये टोनी यूट्रस है तो आप पहले तो आप मसाज करिए कि उसका टोन चेंज हो जाए यूट्रस का, और मसाज करते हुए आपको सारी यूट्रोटोनिक जो भी ड्रग्स होती है उसको आप अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार उसको आप मरीज को दे दीजिए, जिससे कि पेशेंट के यूट्रस को टोन है और टोन कॉन्ट्रैक्ट हो सके और वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो, इस तरह से माँ को हम बचा सकें। क्योंकि ये पीपीएच होना कोई साधारण बात नहीं होती है, इससे माँ की जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमें बहुत इसका जो है कि एक्टिव मैनेजमेंट किया जाता है। अब थोड़ा सा और यूट्रस के बारे में हम जानते हैं कि यूट्रस जब एटोनी यूट्रस होता है तो ब्लीडिंग क्यों होती है। यूट्रस एटोनी जैसे कि यूट्रस एटोनी होने में ब्लीडिंग के जो काज हैं, हम जानते हैं यूट्रस की 3 लेयर होती है, जैसे कि पेरीमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और एंडोमेट्रियम होती है। इसमें जो मायोमेट्रियम होती है वो जैसे ही प्लेसेंटा आउट हो जाता है तो जैसे यूट्रोटोनिक ड्रग्स हम दिए रहते हैं हमेशा 10 यूनिट तुरंत हम आयम माँ को ऑक्सीटोसिन देते हैं या मसाज करते हैं, तो उसके थ्रू जो मायोमेट्रियम मसल्स होती है यूट्रस की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहाँ की जो सारी ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ब्लड स्टॉप हो जाता है। मायोमेट्रियम की जो मसल्स होती है उसके पीपीएच काज में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मायोमेट्रियम में जो मसल्स होती है वो क्रिस क्रॉस शेप में अरेंज होती है वहाँ पे, जिसको कि लिविंग लाइगेचर आप यूट्रस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये मायोमेट्रियम जो मसल्स होती है जैसे ही प्लेसेंटा आउट हो जाता है वहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन जब ये आता है यूट्रस में तो वहाँ के ब्लड वेसल से सारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई तो वहाँ से वो ब्लीड करती रहेंगी। तो इसके अगर हम काज में जाएं तो इसके काज तो बहुत होते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट ग्रैंड मैंडिपारा है, बहुत उस मतलब 3rd है 4th है 5th ग्रेविडा है, तो भी वहाँ की जैसे यूट्रस की टोन होती है वो चेंज हो जाती है, वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। अगर किसी की माइक्रोसोमिया यानी कि बेबी जो है 4 kg या उससे अबव बच्चे का वजन हो, उस स्थिति में भी यूट्रस जो होता है वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो भी ये काज करेगा यूट्रस एटोनी का। और इसके अलावा भी प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, किसी मरीज में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है प्रसव में, तो वहाँ भी यूट्रस की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है तो जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। या आपने मिस मैनेजमेंट 3rd स्टेज आप लेबर का किया है, जब जैसे ही आपको 1 मिनट के अंदर जो 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन आईएम देनी रहती है, आपने उसमें देरी की है, आपने उसको जल्दी 1 मिनट के अंदर नहीं दिया है, तो ये सब कारण होते हैं कि यूट्रस आपके एटोनी है। तो आपने जैसे यहाँ पे जाना कि सबसे फर्स्ट टीका मतलब यूट्रस के टोन से है, यूट्रस का टोन हम फील करके पता कर सकते हैं, उसमें पता करने में हमको पता चलेगा कि यूट्रस की साइज बड़ी है, वो स्पंजी है, वो फ्लैबी है, वो हमको बहुत सॉफ्ट फील हो रही है, तो फिर हम मसाज करेंगे और यूट्रोटोनिक ड्रग्स जो है उनको तुरंत हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हुए इसका और तुरंत सारी चीज़ें दे करके और फील करेंगे कि यूट्रस का टोन अप कैसा है। अगर टोन बिल्कुल उसके यूट्रस हमको अब ठोस फील हो रही है फंडस पे जब हाथ रखते हैं तो इसको हम दूर कर सकते हैं जानकर के पीपीएच को इसका अगर यही काज है तो हम इतने करने से उसको दूर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दूसरा जो टी होता है उसका अर्थ होता है टिश्यूज। तो यहाँ पर टिश्यूज लिखने का क्या मतलब है, यहाँ टिश्यू से अर्थ ये है कि कोई भी प्लेसेंटा का कंसेप्शन यानी कि रिटेन प्रोडक्ट आप प्लेसेंटा जिसको कि POC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। तो कोई भी अगर प्लेसेंटा का यहाँ पे मेम्ब्रेन है, उसका मार्जिन है या कोई भी उसके भाग अगर यूट्रस के अंदर हैं तो वो भी काज करेगा पीपीएच का।
तो यहाँ पे हमको उसको मैन्युअली एक्सप्लोर करना है, देखना है, थोड़ा जिग जैग करते अपने एक हाथ को फंडस पे रखते हुए और दूसरे हाथ को अपने जिग जैग करते हुए और ले यूट्रस के अंदर ले जा करके और पूरा एक्सप्लोर करते हुए अगर कोई पार्ट छोटा हुआ है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको तो आप प्लेसेंटा आउट करते वक्त भी टिश्यूज को देख सकती हैं। जैसे ही प्लेसेंटा चेक करने के बाद ही हमको BMW की जो येलो कलर की डस्टबिन होती है उसमें डालना होता है। तो आप पहले ही प्लेसेंटा को देख लें कि उसकी मेम्ब्रेन पूरी आउट हुई है कि नहीं, उसकी मार्जिन पूरी तरह से सही है कि नहीं, कैसे खंडित तो नहीं है या कोई भाग मिसिंग तो नहीं है प्लेसेंटा का। अगर आपने पहले चेक कर लेगा तो ये दूसरी टिश्यूज जो टिश्यूज यहाँ लिखा है वो काज कभी पीपीएच का बनेगा ही नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, मिसमैनेजमेंट अगर हो तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत रह जाएगा अंदर। अगर उसका थोड़ा भी भाग रह जाएगा, थोड़ा भी कंसेप्शन उसका अगर यूट्रस के अंदर रह जाता है तो हम देखते हैं कि वो पीपीएच का काज बनता है। तो इसमें आपको जाना है और मैनुअली तरीके से सारे उसके कंसेप्शन को आपको बाहर निकालना है, फिर यूट्रस की मसाज करनी है। अब आप देखेंगे अगर जैसे ही आपने सारा कंसेप्शन बाहर निकाल दिया, यूट्रोटोनिक ड्रग्स दे दी, मसाज कर दिया, तो ये भी पीपीएच का काज आप तुरंत ट्रीट कर सकती हैं, तुरंत ठीक कर सकती हैं और बहुत कम समय में ब्लीडिंग को रोक सकती हैं और माँ की जान को बचा सकती हैं। यानी कि पीपीएच माँ की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण होता है। इसमें इसलिए आपको सारे कारणों का बहुत जल्दी से फोकस करना होता है, एक्टिव मैनेजमेंट करना होता है। इसीलिए लिखा रहता है कि एक्टिव मैनेजमेंट आप थर्ड स्टेज लेबर, यानी जितने स्टेज आप लेबर हैं उसमें सबसे जो अहमियत यानी एक तरह से इम्पॉर्टेंस दी गई है कि आपको थर्ड स्टेज आप लेबर का मैनेजमेंट बहुत एक्टिव होकर के करना है, वहीं पे बता दिया जाता है। क्योंकि इसका इसमें अगर मिस मैनेजमेंट हुआ तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि तीसरे टी से क्या अर्थ होता है। तीसरे टी का अर्थ होता है ट्रामा यानी चोट। तो यहाँ पे ट्रामा का क्या मतलब हो सकता है, यहाँ पे यूट्रस के ट्रामा की बात की जा रही है या और पेरिनियल एरिया की ट्रामा की बात की जा रही है, वजाइनल एरिया में कोई लेसरेशन हुआ उसकी बात की जा रही है, ये किन किन कारणों से हो सकती है। तो ये जो होता है कि अगर हमने माँ की जो यूट्रस है वो बहुत रिजिड है, वो बहुत टाइट है, वहाँ की उसकी मसल से उसकी स्किन बहुत मसल से, तो भी कहीं ना कहीं लेसरेशन हो ही जाता है, कहीं ना कहीं टीयर हो जाता है। तो जो काज करता है पीपीएच के लिए, अगर आपका सर्वाइकल अगर टीयर हो गया है तो भी काज करेगा पीपीएच का। पेरिनियल अगर टीयर है, वजाइनल टीयर है, तो इसको हम कैसे फील करें कि ये टोनी और ट्रामा में कैसे टिश्यू में आप कैसे कंफर्म करें कि अब कौन सा काज है। अगर आपने देखा कि आप फील करते हैं पेशेंट को पीपीएच हो रहा है, आपने देखा ऊपर फंडस उसके हाथ रखा और यूट्रस को देखा कि अरे वो तो एकदम ठोस है, वो अपने साइज में भी बड़ा नहीं लग रहा है, सॉफ्ट भी नहीं फील हो रहा है, फिर भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो आप वहीं तुरंत अर्थ लगा सकते हैं कि अगर यूट्रस सही तरीके से पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल हमको स्पंजी फील नहीं हो रहा है, सॉफ्ट फील नहीं हो रहा है, तो उसका काज यही हो सकता है, फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर ही आप निर्णय ले लेंगे कि ये जरूर कहीं ना कहीं सर्वाइकल टीयर, पेरिनियल टीयर या वजाइनल टीयर है, या हमने कोई भी एपिजैटमी अगर रिजिड पेरिनियम होता है, माँ का पहला बच्चा होता है, बहुत सारे इन केस में हम एपिजैटमी किए रहते हैं, तो हम यहाँ तक जान सकते हैं कि ये एपिजैटमी से पीपीएच हो रहा है। तो इतना फर्क अगर हम पता कर लेते हैं तो हमारा टाइम बचता है और तुरंत हम उस प्रक्रिया को करते हैं जिसके काज के कारण ये ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि यूट्रस नहीं है, तो हमको उसको नहीं करना है, बल्कि हमको उसकी पेरिनियल एरिया को इंस्पेक्शन करना है कि कहाँ उसको चोट है, उसके सर्विक्स को देखिए, उसके पेरिनियल एरिया को देखिए और उसके वजाइनल एरिया को आप पूरी तरह से चेक कर लीजिए। अगर कहीं पर है तो वहाँ पर जा करके आप सूचर कर सकती हैं और इस ब्लीडिंग को आप स्टॉप कर सकती हैं। इस तरह से थर्ड जो काज होता है वो ट्रामा होता है। अब जानते हैं थ्रोम्बिन यानी थ्रोम्बिन क्या होता है। ये जो महिला होती है उसमें ANC में जब आती है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होता है थ्रोम्बिन डिसऑर्डर का होना। तो वहाँ पे ये पहले से ही पता होता है कि उसको थ्रोम्बिन डिसऑर्डर है। तो इसमें जो होता है आप वेरी हाई सेंटर पे मरीज चली जाती है, उसका बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। क्योंकि अगर ये बना रहा तो प्री एक्लेम्सिया है या बच्चा, इसमें बहुत सारी परिस्थिति
क्या हो जाती है, बच्चे का IUGR होना, उसको प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अगर थ्रॉम्बिक डिसऑर्डर है तो वो पहले से ही क्लियर, एक आज आपका पहले से ही क्लियर रहेगा PPH में कि इस मरीज को थ्रॉम्बिक डिसऑर्डर है जब वो ANC में आती हैं, और इसको आपको तुरंत हायर सेंटर पे इसको रिफ़र कर देना है ताकि अच्छे तरीके से इसका प्रसव हो, और प्रसव के बाद इसके जो भी मैनेजमेंट, जो उचित तरीके से इसका मैनेजमेंट इस पेशेंट का होना है वो हो करके इसको बचाया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 4 ईटोलॉजी है, ईटोलॉजी का मतलब होता है कि द काज काज आर ओरिजिन ऑफ डिजीज, यानी कि किसी बीमारी के जो होते हैं काज या कारण क्या चीज़ होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि यहाँ पे हमने पोस्टमार्टम हेमरेज की ये 4 जो टी है, एक तरह से 4 ईटोलॉजी है, यानी उसके एकदम एग्जैक्ट कारण है, उस PPH के एग्जैक्ट कारणों का पता करने के लिए, यानी हमने यहाँ पे 4 के जो डिस्क्राइब किया है। अगर आप इतना समझ लेंगे तो आप PPH के एग्जैक्ट कारण तक पहुँच सकते हैं, और इस तरह से आप मरीज की जान को बचा सकते हैं, उसका एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको हमेशा रखना हो याद रखना चाहिए कि 70-80% जो मात्र मृत्यु दर का कारण है वो प्रसव के बाद 24 घंटे के अंदर का ये PPH ही होता है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल एक्टिव मैनेजमेंट करते हुए, माँ के सब चीज़ों को देखते हुए हमेशा उसको, इसीलिए डिलीवरी के बाद बताया जाता है कि आपको शुरुआत के 15-15 घंटे के अंदर 15-15 मिनट में माँ के उटरस की मसाज करके देखनी होती है कि कहीं वो यूटोनी तो नहीं है, कहीं उसको ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप आज इस वीडियो में 4T से संबंधित ज्ञान प्राप्त किए हैं, और इस ज्ञान का उपयोग करके आशा करती हूँ कि बिल्कुल आप अच्छे तरीके से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले से ही जानेंगे कि आपको अगर किसी लेबर पॉइंट पे आपकी नियुक्ति होती है तो किसने एक्टिव तरीके से आपको कार्य करना है, या आप लेबर पॉइंट पे नियुक्त हैं अभी तक आप 4T के बारे में नहीं जानती थी तो भी इस वीडियो से आप 4T के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस तरह से हम आशा करते हैं कि थोड़ा अगर थोड़ी भी ये हेल्प आप लोगों के लिए हुई तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।